एक से जो भी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी देखो सर, आज की डेट में उसकी इंपॉर्टेंस देखो, कनेक्ट करो उससे, आज आज से कनेक्ट करो, अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करो। नंबर 5, इविल्स एंड न्यू चेंजेस। इविल्स, इविल्स यहाँ मतलब है जो नए बदलाव हो रहे थे उसको रोकने के लिए जो भी कोई पर्सन, कोई प्रथा या कोई पुराने कोई भी सिस्टम जो नए चेंजेस में हर्डल बन रहे थे, वो यहाँ पे इविल्स का मतलब उससे है। तो इन इविल्स को बुध ने क्या करा, मिटिगेट करा, मिटिगेट करा, रोका और न्यू चेंज को कंसोलिडेट करा, मजबूत करा। फॉर एग्जाम्पल मलिंदर, नागार्जुन, मलिंदर ने पूरे क्वेश्चंस करे, हर तरीके से उसने पूछा, लेकिन उसके हर क्वेश्चन का जवाब नागार्जुन ने दिया। और उन क्यों, क्योंकि वो कंसोलिडेटेड था, मजबूत आंसर था उसका। तो मिलिंदर बुद्धिज्म में आगे। ओके, प्रेजेंट और 6th सेंचुरी BC, दोनों मनी इकोनॉमी, डिफरेंस हो सकता है पैसे में, पर एज पर टाइम मनी इकोनॉमी। और जब आपके पास पैसा आता है, आप देखो पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन का टेस्ट हुआ, बहुत से स्टेट में हुआ, लेकिन ये बोला गया पंजाब जो रीजन है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए सक्सेसफुल है, पानी भी है, मौसम भी है और सोइल भी है। तब ग्रीन रेवोल्यूशन हाइब्रिड बीजेस आए, उनको यूज़ करा गया, फसल की आउटपुट बढ़ गई, दुगनी तिगनी हो गई, पैसा भी 3 गुना हो गया। और जब पैसा आया तो लोगों ने क्या करा, मशीनरीज ली। पैसा आने का पहला ड्रॉबैक, मशीनरीज ली गई और आपका लेबर, या आप कह सकते हैं कि जॉब्स इन एग्रीकल्चर गिर गई। कितनी गिरी वो एक अलग बात है, लेकिन डाउन हुई। फिर उन मशीनरी से और पैसा आया, क्योंकि लेबर के पैसे बच गए और कुछ लोग रेंट पे काम करने लगे, और पैसा आ गया। उसके बाद कुछ लोग बाहर चले गए और बाकी यहाँ रह गए, वहाँ से और पैसा आ गया बाहर से। जब पूरा पैसा हो गया तो अब प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, नशा। क्या कंडीशन है प्रेजेंट में आज, इंटॉक्सिकेंट। कहाँ पे, ऑल ओवर द इंडिया, गुजरात में अभी पकड़ी गई पोर्ट पे, मुंबई में कितना चलता है, कॉलेजेस में कितना चलता है, कोटा में देख लो कितना चलता है, दिल्ली में कितना चलता है, हर शहर में, हर बड़े शहर में है, छोटे से लेके बड़े शहर में। और यहाँ भी इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट कहाँ से, मनी से। और अब यहाँ पे प्रेजेंट में क्या हुआ, गए लिव इन, यहाँ पे नगर वधु अमरपाली, शी वॉज अ डांसर। और अब जब कंडीशन चेंज हो रही है तब क्या हो गया, आगे डाइवोर्स इंक्रीज हो गया, डाइवोर्स इंक्रीज हो गया। और इंटॉक्सिकेंट का इलाज क्या है, क्या है, ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध किसकी बात करते हैं, ध्यान की, क्यों, रिक्वायरमेंट आ गई, जरूरत आ गई, नीड आ गई इंटॉक्सिकेंट। इसलिए बुद्ध की, बुद्धिज्म और बुद्ध किसकी बात करते हैं, ध्यान लगाने की। क्यों, अगेन बात वहीं जाती है, कहां पर, डिप्रेशन पर, डिप्रेशन से आप दूर हो सको। डाइवोर्स हो गए, अब आप देखोगे कि जो नशा है वो 20 से 40 साल की उम्र के जो एज है, ग्रुप है, उसमें लोग ज्यादा करते हैं। रीजन, रीजन है चैलेंजेस, चैलेंजेस कौन कौन से चैलेंजेस, 20 से 40 साल की एज में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं आपको, मैरिज, जॉब, सैलरी,
पेरेंट्स की और फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना, तो ये सब, या कुछ हो और भी, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, चैलेंजेस। और जब वो इन चैलेंजेस को मिटिगेट नहीं कर पाता, वो इविल्स बन जाती हैं, तो वो कहाँ जाती हैं फिर? नशे की तरफ। और इसका पीछे एक और रीज़न है, जब भी आप खाली बैठोगे, जब भी आप खाली बैठे और आपका दिमाग खाली हुआ, वो इन सब चीज़ों को आपको याद कराएगा, हर चीज़ को याद कराएगा, हर एक चैलेंज के बारे में आपको याद कराएगा, और आपको यहाँ तक लेके जाएगा, नशे तक। तो इससे एक छुटकारा पाने का तरीका है कि अपने दिमाग को बिजी रखो, उसको थका दो ताकि वो सोने की तरफ भागे। और बिजी कहाँ रखें? इनमें से किसी एक चीज़ को पकड़ लो और उसके ऊपर, जैसे ही आपने ये चीज़ कराई, आप नशे से भी दूर हो गए और आप खुद पर खुद मोटिवेट हो गए, खुद मोटिवेट हो जाओगे। अब आप 50s, 60s, 70s, 80s, मैरिज एज क्या थी? 12 साल, 12 ईयर। 12 साल में लड़की की शादी हो जाती थी, 16 साल में उसके पास बच्चे हो जाते थे, तो वो क्या कर पाएंगे, कितनी ग्रोथ कर पाएंगे? और आज मैरिज एज है 30, और कुछ लोग तो इससे भी ऊपर मिल जाएंगे। रीज़न, पीपल वॉन्ट्स टू बी अ फाइनेंशियली स्टेबल, फाइनेंशियल स्टेबल इकोनॉमी चाहते हैं, जॉब मिल जाए या कोई बिजनेस चल जाए, स्टेबल हो जाए, तब जाके अपने पैरों पे खड़े हो जाए, तब जाके शादी करेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट हार्मोन्स? वो तो परेशान करेंगे ही। तो इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, लिव इन इज लीगल। और ओशो ने भी लिव इन को, ओशो ने भी लिव इन को सही बोला, और उसने एक चीज़ और ऐड करी, बोला कि लिव इन ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन आप शादी उसमें तब करें जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो। तो शादी सर कोई खेल नहीं है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तभी शादी करनी चाहिए जब आप रिस्पॉन्सिबिल हो, टी लेने के लिए तैयार हो। जब नई नई शादी होती है तो लड़की अपने घर वापस जाने के लिए बड़ी एक्साइटेड, उत्सुक होती है, क्यों? जाने की इच्छा रहती है, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वहाँ, और यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसलिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेने के लिए सक्षम हो जाओ, तब आपको लेनी चाहिए। आप, मैं एक नाम नहीं लूँगा, एक ऑफिसर है गवर्नमेंट, अच्छे रैंक पे, पद पे है, उसने, दो थे तो आपस में शादी कर ली, अब बाद में उनका डाइवोर्स हो गया। तो डाइवोर्स, यू कैन से वन रीज़न बिहाइंड इट, यू कैन नॉट एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइम, और आपका माइंड, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। बाद में वो मीडिया वगैरह में आया, तो उससे जब भी, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि आप टीवी पे, यार ये जो सेलिब्रिटीज़ आ जाते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ है, दिस एंड दैट, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन सर लोग आपको फॉलो करते हैं, और आप पब्लिकली सिगरेट पियोगे तो कैसा लगेगा? तो आपका करोड़ों लोग या यूथ, वो भी सिगरेट पिएगा आपको देख के। ऐसे ही कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर जो एक अच्छे रैंक पे है, और उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी, लेकिन ऐसा होता है तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे अलग ही पड़ता है। कुछ लोग, सिर पर लोग तैयार हो जाते हैं, यार इसने कर लिया तो हम भी, दिमाग घूम जाता है। मैरिज इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। और लोग शादी करते हैं मजे के लिए, बहुत ही कम लोग शादी करते हैं जिम्मेदारी लेने के लिए। इसीलिए जब भी आप देखना किसी की शादी होगी, तो बूढ़े लोग बड़े खुश होते हैं, हम बोलते हैं कि बेटा पता चल जाएगा तेरे को, और वो हनीमून वर्ड है ना, जो वो हनीमून, हनी सन क्यों नहीं है, क्योंकि हनीमून, मून जो है वो 4 दिन ही चमकेगा, और 4 दिन बाद वापिस आ जाओ, जो करना था कर लिया, ये सब कुछ संभालो। वैसे ही लिविंग इज गुड, जैसे मैंने बोला ना कि किसी सेलिब्रिटी, किसे सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, अगर वो सिगरेट पीता है या ड्रिंक करता है पब्लिकली,
या उसकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं जो भी, लेकिन उससे सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, वो पर्सनल लाइफ है और ये सब कुछ वो एक बात हो गई। तो वैसे ही लिव इन भी गुड है, लेकिन उससे सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वट पीपल आर डूइंग इन मैरिज, लोगों को स्लेव चाहिए सर, कोई भी हो, इट्स नॉट अबाउट मेल फीमेल, बट दे वॉन्ट स्लेव, दे डू नॉट वॉन्ट फ्रेंड। हस्बैंड और वाइफ एक ही चीज़ समझ लें एक दूसरे के बारे में, वो उनको आप ढूंढनी पड़ेगी। अगर वो उनको मिल गई और वो उस पर काम कर लें, तो उनसे अच्छा फ्रेंड कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। तो डोंट इम्पोज समथिंग ऑन अदर्स इफ़ यू हैव पावर। पावर ऑफ व्हाट? इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट एनी रैंक, इट्स अबाउट योर नॉलेज। इफ़ यू हैव अ नॉलेज, आपके पास पावर है ज्ञान की, तो ट्रांसफॉर्म, डोंट इम्पोज। 20 ml दारू, शराब, मेडिसिन है कफ की, कफ के लिए अच्छी है। 200 ml जहर है। तो आपकी अप्रोच कैसी है, आपकी अप्रोच कैसी है किसी भी चीज़ के को लेकर, उस पर डिपेंड करता है आप दवाई की तरह लेना चाहते हो या नशे की तरह। NCERT को सर आप अच्छे से पढ़ो, बहुत ज़रूरी है, वो एक पुराण है हिस्ट्री का, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। और जब मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग फ्रेंड्स बनाएं, दोस्त बनाएं, फैमिली मेंबर्स को दोस्त बनाएं, फैमिली के बाहर दोस्त बनाएं। कृष्ण के पास कोई दोस्त नहीं था। जब आप दोस्त बनाते हो ना, तो यू आप एनर्जी को एक्सचेंज करते हो, ज्ञान एक्सचेंज करोगे, थिंग्स एक्सचेंज करोगे, थिंकिंग एक्सचेंज करोगे, तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। कृष्ण के पास नहीं था कोई भी दोस्त, कृष्ण के पास दो ही आदमी होते हैं और हर ज्ञानी के पास दो ही आदमी होते हैं। या तो आप ज्ञानी के पास देखोगे कि उसको सब, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उससे जेलस करते होंगे, उसके खिलाफ होंगे, या फिर उसके पास ऐसे लोग होंगे जो उससे सीखने जाएंगे। नेक्स्ट, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी। बात वैसे हम कर चुके हैं सोशल, मॉन्क्स टीचिंग के बारे में बताना, लोगों को अवेयर करना। पॉलिटिकल, इम्पोर्टेंट चेंज क्या, बात कर चुके हैं हम शूद्र और वुमेन को संघ में एंट्री, और दीक्षा, इकोनॉमी। जैसे ही आपका इकोनॉमिकल स्टेटस ग्रोथ करा, बढ़ा, तो आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ गया। और अगला, नॉन वॉयलेंस। लेट मी चेक द स्पेलिंग, मैं भी स्टिल इट करूँ, शायद अभी भी गलत हो। नॉन वॉयलेंस क्यों, बात कर चुके हैं इसके बारे में पिछले लेक्चर्स में, आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। नॉन वॉयलेंस कैटल वेल्थ को बचाने के लिए, कैटल वेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए। जब आयरन का इन्वेंशन हो गया, लोहा मिल गया, और 22 इंच का हल के आगे लगा हुआ लोहे का टुकड़ा 22 इंच का धरती के अंदर जाएगा, तो उसको खींचने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बुल की, सांड की, कैटल। और वो क्या हो रहे थे, सेक्रीफाइस रिचुअल और मीट के लिए, खाने के लिए, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए नॉन वॉयलेंस का कंसेप्ट लेकर आए बुद्ध, कैटल वेल्थ। और कहाँ मिलता है, सुतानी पड़ा,
बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ये। बाद में ये लीड हुआ और जो कि पहले भी कंसेप्ट था काओ का, मदर का, वैदिक कल्चर में भी, हम वैदिक कल्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो काओ एज अ मदर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में भी आया। और सुतानीपड़ा में क्या लिखा है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, मे बी पेज नंबर 99, मे बी आई एम एग्जैक्टली डोंट नो रिमाइंड, अन्नदा सुखदा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट न्यू अवेयरनेस, एनसीईआरटी को जब भी आप पढ़ोगे तो उसको हेडिंग्स जो हैं उसके उसमें से सब हेडिंग्स आप बनाएं, कोशिश करें कि आप एक, चाहे वो एक ही लाइन का सब हेडिंग क्यों ना बने लेकिन उसको बनाएं। इसका मतलब ये नहीं कि हर लाइन का बना दें, आप कोशिश करें कि तीन चार लाइनों का तो कम से कम बने, क्योंकि वो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। न्यू अवेयरनेस, जब चीज़ें बदल रही थी, नई नई इन्वेंशन आ रही थी, तो उनके बारे में अवेयर और डेवलप, नई चीज़ों का डेवलपमेंट और उनके बारे में अवेयरनेस। कैसे, एक तो माइंड, दिमाग के तौर पर, या कहें इंटेलेक्ट, बुद्धि, और दूसरा भाई आपको समझ में तो आ गया कि ट्रैक्टर कैसे चलाना है और उसका यूज़ क्या है, लेकिन वो आपका कल्चर बने तो कल्चर की भी के बारे में अवेयरनेस कि हाँ ये हमारे कल्चर का पार्ट है। व्हाट इज कल्चर, वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका। अब इन दोनों चीजों के लिए हमें क्या चाहिए, रैशनलिज्म, मतलब तर्क संगत। जब भी आपको अवेयरनेस चाहिए आपके पास तर्क होने चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए, तब जाके आपके पास आप अवेयर हो पाओगे। अवेयरनेस लेने के लिए आपको तर्क संगत होना पड़ेगा। वाई रामदेव इज अगेंस्ट द कोल्ड ड्रिंक, बिकॉज ऑफ CO2, प्रेजेंस ऑफ CO2, और CO2 आपके लिए नुकसानदेह है, यू कैन से जहर है एक तरीके का। अगर आप 4 लीटर कोल्ड ड्रिंक एक दिन में पी लोगे मर जाओगे, एक साथ पी लिया इमीडिएटली डेड, वैसे तो आप पी ही नहीं पाओगे, लेकिन आपने पी भी ली ऑन द स्पॉट डेड। वो जो 200 ml या 300 ml है वही आपके लिए इनफ है, बस डाइजेशन कर देगी आपका अच्छे से बढ़िया। फाइबर जो है, फाइबर आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन ये पिज़्ज़ा बर्गर ये फाइबर, इनमें फाइबर नहीं है, ये आपके पेट को खराब करती है। इसलिए डिवाइड जो है चलता है। अब रामदेव जो ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज दिस अगेंस्ट द कोल्ड ड्रिंक, दैट इज रैशनलिज्म, रैशनलिज्म हाथरस केस, डिवाइड चल रहा है अपर कास्ट लोअर कास्ट, हाथरस केस हुआ था, पागल लोगों की संख्या बढ़ गई है इस देश में, लोग पागल हो रहे हैं, रेपिस्ट इज रेपिस्ट, खत्म बात। मुझे ने पूछा क्या परेशानी है, तो बोले मैं अपनी वाइफ से परेशान हूँ, बोलो तो उसने बोला था, तो वो गई इस परेशानी के जिम्मेवार तो तुम हो, कहा कैसे, उसका कैसी बातें कर रहे हो आप, वो मेरे को परेशान करती है, औरतों का काम भी यही है, कौन गया था शादी करने के लिए, तुम ही गए थे, तुम ही मरे जा रहे थे, सोचा था मजा आएगा, ठाकुर खुश होगा। तो
कभी आपने देखा है शिव को जीन्स डाले हुए? बिल्कुल ही सिंपल नॉर्मल, जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उतनी ही है बस, उससे ज़्यादा नहीं। और पार्वती, माँ पार्वती, फिर भी उनको पीछे इतना पागल है। रीज़न, सिंपलिसिटी एंड पावर। बंदा बहुत सिंपल है, कहीं भी पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही सिंपल। और पावर भी है, एक चुटकी में सारा ब्रह्मांड खत्म। अगर आप सोचो मोदी जी आज बोल दे शादी करने के लिए, बोले कि मैं, तो लाइन लग जाएगी। रीजन, पावर, पावर। एक एग्जांपल है, कांग्रेस के लीडर है दिग्विजय सिंह। रीजन कुछ भी हो लेकिन उन्होंने शादी करी। इमरान खान को देख लो, ट्रंप को देख लो, पावर, पैसा। ट्रंप के पास क्या, पावर भी है, पैसा भी है। मेल कैन नॉट ब्लेम वुमन, वुमन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ गॉड। आपको जो चाहिए वो आपके लिए करती है। अच्छा खाना बनाना, कपड़े साफ करना, घर को साफ रखना, बच्चों को संभालना, सब कुछ। मेल इज करेक्टरलेस। और जिसने हमारे भारत सभ्यता का चरित्र निर्माण, विवेकानंद ने बोला चरित्र निर्माण, जिसने ये चीज को समझ लिया वो महान बन जाएगा। महान देखो सर, जिसने भी करैक्टर डेवलप करा, अर्जुन, कृष्ण, युधिष्ठिर, भीष्म, द्रोण, बड़े बड़े नाम है सब। इसी वजह से गांधी, अंबेडकर। और जब भी आप किसी वुमन, औरत के पीछे जाते हो तो वो समझ जाती है क्या। आप जैसे किसी भी कॉलेज में किसी लड़की के पीछे जाओगे तो समझ जाएगी, वो बोलेगी यार यू आर इडियट, ही इज़ इडियट। रैशनलिज्म, उसको पता है दिस इज रैशनलिज्म। पावरफुल बनो सर, पावरफुल, पावर इसके पीछे, शक्तिशाली बनो। आप सोचो कि आपने गांव छोड़ दिया किसी भी कारण की वजह से, आपके फैमिली मेंबर्स कोई भी आपको परेशान कर रहे थे और आपने गांव छोड़ दिया और आप शहर में जाके रहने लगे और आप वहां जाकर IAS बन गए, तो कल को क्या होगा, वो गांव की सिचुएशन कैसी होगी? पावर की वजह से। पावर, शक्तिशाली आप अगर बनोगे, शक्तिशाली को कोई नहीं चुका सकता। नॉर्थ को, उसको कोरिया वाले को ही देख लो, नॉर्थ कोरिया वाले को बोले मैं अमेरिका को उड़ा दूंगा, अमेरिका ले बदतमीजी मत करनी, बैठकर बात करेंगे, नहीं उड़ा दूंगा, बटन दबाया अमेरिका ख़त्म। और अमेरिका बोला हमारे पास मिसाइल है 14,000 किलोमीटर, तुम्हारे पास नहीं है? उसने बोला नहीं है। तो मैं चिंटू मिंटू को उड़ा दूंगा, चिंटू मिंटू ये कौन है? जापान और साउथ कोरिया। तो बोला नहीं नहीं, तो पावरफुल बनो सर, शक्तिशाली। 1947 में दो देश बने, पाकिस्तान, इंडिया, तीसरा 1949 में चाइना। चाइना आज सुपर पावर के बराबर है सर। अमेरिका ने कितना कुछ बोल लिया, बंद करेंगे सब कुछ, ट्रेड एक्सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं करेंगे, इम्पोर्ट नहीं करेंगे चाइना से, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। पावरफुल। और पावर आपको तभी मिलेगी जब आप ये मान लोगे कि जीवन का मतलब ही संघर्ष है। जीवन, लाइफ इज इक्वल टू स्ट्रगल। और जब आपने इस चीज़ को अपना लिया और इसको जीवन में अडोप्ट कर लिया तो आपका जीवन सरल हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। इसीलिए आप अगर आप देखोगे स्ट्रगल में, राजपूत हर दशहरे के बाद उनको लड़ना होता था, पता था उन्होंने लड़ाई में जाना है, इसीलिए करवा चौथ का भी प्रथा का जन्म हुआ और बाद में वो कल्चर बन गया, वो एक अलग बात होगी। उसके पीछे ये था लंबी उम्र के लिए। और जब आप ये चीज़ अपना लोगे स्ट्रगल को, तो आपके दो टुकड़े हो जाएंगे, नया जो चीज़ करना चाहता है, पुराना जो रोकना चाहता है।
और दिमाग की एक बहुत अच्छी बात होती है, उसको आदत होती है, और जैसे ही उसको आदत पड़ गई इस चीज़ की, नए वाले की, तो आप महान बन जाओगे और कोई ऐसा यूनिक काम कर जाओगे जो पहले किसी ने नहीं करा होगा, और आपको वो सरदार पटेल जैसा बना देगा, आपको अब्दुल कलाम जैसा बना देगा। तो इसलिए लड़ना है तो खुद से लड़ना है, जागो, उठो और लड़ो। जय हिंद।